वेल रिसेंटली हमने किया बॉलीवुड ब्यूटी दिया मिर्जा को एक नोबल कॉज को सपोर्ट करते हुए। वेल बिकॉज ये कॉज जुड़ा था एनवायरनमेंट से, इसीलिए यहाँ दिया ने शेयर किए एनवायरनमेंट की सस्टेनेबिलिटी को लेकर अपने थॉट्स। हकीकत ये है कि क्लाइमेट चेंज इज़ रियल। हमारे देश में आज इसी वक्त हम अभी लोग कहते हैं अरे गर्मी इतनी बढ़ गई, जनवरी में गर्मी आ गई, अरे ड्राउट, ये टाइम ऑफ ईयर ड्राउट कैसे हो सकता है, मॉनसून्स कम होती जा रही हैं। तो वी आर फीलिंग द इम्पैक्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज एंड एज एन इमर्जिंग कंट्री, एज एन इमर्जिंग इकोनॉमी, वी हैव टू मेक बेटर चॉइसेस। वेल दिया लंबे टाइम से है बड़े पर्दे से दूर, तो ऐसे में हमने पूछ ही लिया कि कब अपने फैंस के लिए वो कर रही है सिल्वर स्क्रीन पर अपना कमबैक। I'm just finishing an Indo-Iranian film, which is the first of its kind. I've signed another Hindi film that I will start later in the year, and as a producer, I'm making 4 films. दिया को हमने हमेशा देखा है ऐसे नोबल कॉजेस को टाइम टू टाइम सपोर्ट करते हुए। एंड यहाँ जब हमारी हुई दिया से मुलाकात, तो हमने पूछ ही लिया कि कहाँ से मिलता है उन्हें इन सब के लिए इंस्पिरेशन। सेव द टाइगर प्रोजेक्ट शुरू हो गया था, प्रोजेक्ट टाइगर। इट्स एन ओल्ड मेमोरी, बट इट्स अ वेरी इम्पोर्टेंट मेमोरी बिकॉज इट्स अ रिमाइंडर that all of this that we are struggling to achieve even today had started so much earlier. It's all interconnected. It's the tiger, the forest, the rivers, cleanliness, our natural resources, your life, mine, it's all connected. Well, hats off to Diya कि वो एक celebrity होने के साथ साथ अपने nature पर भी देती है उतना ही ध्यान and time to time करती रहती है ऐसे noble causes को support।